आईपीएल 2020 का ये सीजन बहुत करीब है और इस साल भी आईपीएल की तमाम टीमें अपने बल्लेबाजों के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहने वाली हैं। और इसी कड़ी में आज इस वीडियो में हम आपको आईपीएल की आठों टीमों की तीन तीन खतरनाक बल्लेबाजों के नाम बताने वाले हैं। दोस्तों हर टीम के ऊपर हम तफसील से बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों, एंड तक जरूर देखें। और दोस्तों आप भी एमसीपी क्रिकेट फैमिली और आईपीएल फैन क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है। तो यहाँ कहीं नीचे से अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम की। दिल्ली की टीम के पास बहुत तगड़े बल्लेबाज हैं, स्पेशली भारतीय बल्लेबाज इनके पास बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर हम इनके तीन सबसे खतरनाक सबसे कंसिस्टेंट बल्लेबाजों की बात करें ना, उस लिस्ट में दोस्तों नाम आता है सबसे ऊपर श्रेयस अय्यर का, दूसरे नंबर पर दोस्तों इस लिस्ट में शिखर धवन का नाम आता है और तीसरे स्थान पर दोस्तों नाम आता है शिमरॉन हेटमायर का। तो हमारे मुताबिक ये जो तीन बल्लेबाज है ना, ये भाई दिल्ली की तरफ से सल तबाही लाने वाले हैं। हालांकि बहुत सारे बल्लेबाज और थे, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हमने ऋषभ पंत, एलेक्स कैरी और जेसन रॉय को छोड़ा, हमने पृथ्वी शॉ को छोड़ा, लेकिन अजिंक्य रहाणे को छोड़ा। लेकिन भाई कारण साफ है, देखो जेसन रॉय और एलेक्स कैरी इन दोनों को तो जगह मिलने नहीं वाली है प्लेइंग 11 में बिकॉज ऑफ फोर फॉरेन प्लेयर रूल, तो ये तो खेल ही नहीं पाएंगे, तो ये चाहकर भी खतरनाक नहीं हो सकते। दूसरी तरफ जहां तक ऋषभ पंत का सवाल है, वो बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट रहे, इसी के चलते प्राइमरी प्लेइंग 11 टीम इंडिया की तरफ से बाहर हुए, तो ये भी एक रीजन है कि हमने ऋषभ पंत को बाहर रखा है। हो सकता है इस सीजन में चल जाए और सबके मुंह और सबके सब कुछ बंद करा ले, सबके मुंह पर ताले लगा ले, लेकिन अभी हमारे हिसाब से दिल्ली की तरफ से ये तीन ही खतरनाक होंगे। दिल्ली के बाद दोस्तों बात कर लेते हैं अप नॉर्थ की, मतलब किंग्स 11 पंजाब की टीम की। पंजाब की टीम ने एक कोर बनाने की, बल्लेबाजी कोर बनाने की कोशिश की है। बड़े बल्लेबाज भी हैं, छोटे बल्लेबाज भी। हमारे हिसाब से जो तीन इनके सबसे खतरनाक बल्लेबाज होंगे वो होंगे दोस्तों केएल राहुल, क्रिस गेल और मयंक अग्रवाल। यहाँ पर दोस्तों केएल राहुल और क्रिस गेल के नाम से तो आप सहमत होंगे कि ये बड़े बल्लेबाज हैं, लेकिन आप लोग जरूर सोच रहे होंगे कि हमने ग्लेन मैक्सवेल को क्यों नहीं रखा। बहुत सारे लोग इस पर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में कि ग्लेन मैक्सवेल को होना चाहिए था, लेकिन मेरे मुताबिक ग्लेन मैक्सवेल का पिछला 5 साल का आईपीएल रिकॉर्ड उनके हक में नहीं जाता है, इसीलिए नाम बड़े और दर्शन छोटे वाले खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल हो सकते, इसलिए उनका नाम नहीं है इस लिस्ट में। मयंक अग्रवाल के ऊपर निगाहें होंगी, अगर वो चलते हैं तो पंजाब हमें बहुत आगे तक प्लेऑफ तक जाता हुआ भी दिखेगा, पंजाब की वो कमजोर कड़ी मजबूती में तब्दील हो सकती है, इसलिए ये तीनों खतरनाक होंगे। किंग्स 11 पंजाब के बाद अब बात कर लेते हैं भाई राजस्थान रॉयल्स की टीम की। राजस्थान रॉयल्स की टीम मेनली अपने विदेशी खिलाड़ियों पर डिपेंडेंट थी। इनके जो तीन प्रॉपर खतरनाक कंसिस्टेंट बल्लेबाजों के नाम सुनकर आप हैरान होंगे, ऐसे नाम सुनने वाले हैं, आप सुना देता हूं। पहले इनके खतरनाक जॉस बटलर होंगे, दूसरे होंगे भाई संजू सैमसन, तीसरे नंबर पर हमने रखा यशस्वी जायसवाल को। दोस्तों जिस तरह का रहा है ना फॉर्म यशस्वी जायसवाल का, जिस बैकग्राउंड से निकल कर आया और जिस तरह का अंडर 19 वर्ल्ड कप इनका बीता है, मेरे हिसाब से ये खिलाड़ी इस आईपीएल की जान होगा। हमने आईपीएल नीलामी के टाइम भी इनके बारे में बहुत बातें की थी, इसीलिए ये तीसरे खिलाड़ी हमने खतरनाक खिलाड़ियों की, खतरनाक बल्लेबाजों की लिस्ट में रखा है। बहुत सारे लोग बेन स्टोक का, स्टीव स्मिथ के बारे में बोलेंगे, ये मेरी चॉइस थी। आप अपने तीन खतरनाक खिलाड़ी राजस्थान के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। राजस्थान रॉयल्स के बाद दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं अब कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में। केकेआर को झटका लगा क्योंकि हमने बताया नीतीश राणा के ऊपर बैन की तलवार लटक रही है, और अगर उन पर बैन होता है तो फिर तो केकेआर बहुत गर्त में जाएगी। लेकिन अगर हम इनके तीन खतरनाक बल्लेबाजों की अगर हम बात करें ना, तो सबसे ऊपर एंड्रे रसल का नाम आएगा, दूसरे स्थान पर दोस्तों ओइन मॉर्गन का नाम आएगा, और तीसरे स्थान पर शुभमन गिल का नाम रखा है हमने। हालांकि दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग शुभमन गिल के बारे में बोलेंगे कि इनका नाम नहीं होना था, दिनेश कार्तिक का नाम होना था, लेकिन दिनेश कार्तिक भी वही नाम बड़े दर्शन छोटे हैं क्योंकि वो भी नहीं चले, और शुभमन गिल का उदय हमने देखा है डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो इस साल अगर केकेआर के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो भाई ये तीन ही खतरनाक होंगे और इन तीनों को चलना भी पड़ेगा। टॉम बेंटन को शायद प्राइमरी प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल पाएगी बिकॉज ऑफ फोर फॉरेन प्लेयर रूल। तो भाई ये तो थी नॉर्थ की टीम, अब थोड़ा साउथ की तरफ चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस की टीम की। मुंबई इंडियंस के पास बल्लेबाजों की, बल्लेबाजी डेप्थ की कमी नहीं है, लेकिन इनके जो तीन सबसे खतरनाक बल्लेबाज होंगे ना, सुनिए नाम क्योंकि इधर भी आप हैरान होंगे, रोहित शर्मा, क्विंटन डीकॉक और सूर्य कुमार यादव। अब क्विंटन डीकॉक और रोहित शर्मा का नाम तो होना ही था भाई इस लिस्ट में, लेकिन बहुत सारे लोग क्रिस लिन का बोलेंगे कि यार क्रिस लिन को क्यों नहीं डाला, लेकिन भाई सूर्य कुमार यादव और क्रिस लिन को अगर मैं एक साथ देखता हूं ना, तो मुंबई के लिए ज्यादा फायदेमंद सूर्य कुमार यादव है। क्रिस लिन तो शायद फोर फॉरेन प्लेयर रूल के कारण या फिर ओपनर होने के नाते शायद जगह ना बना पाए, क्योंकि भाई क्रिस लिन क्या नंबर तीन पर खेलेंगे, और नंबर तीन पर खेलेगा तो फिर बाकी के कौन से चार विदेशी खिलाड़ी, तीन विदेशी खिलाड़ी खेलेंगे, ये एक सवाल होगा। तो सारे मैचेस शायद लिन ना खेल पाए,
और इसीलिए सूर्य कुमार यादव क्योंकि नंबर 3 के सबसे बड़े दावेदार है इसलिए वो सबसे खतरनाक भी साबित होंगे, जो हमने पिछले 2-3 सालों में मुंबई की तरफ से देखा भी है। मुंबई इंडियंस के बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की। आरसीबी की टीम अपनी बल्लेबाजी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, इनके पास कभी भी कमजोर बल्लेबाजी रही नहीं, इनकी तो कमजोरी ही गेंदबाजी थी, लेकिन इस साल भी खतरनाक बल्लेबाज तैयार हो गए हैं। पहले सबसे खतरनाक विराट कोहली, दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज, सबसे कंसिस्टेंट बल्लेबाज। दूसरे सबसे खतरनाक एबी डिविलियर्स, मतलब दोनों नाम ही इतने बल्ला में है कि सभी लोग जो है सपाट हो जाएंगे। और तीसरा जो नाम है दोस्तों, बहुत सारे खिलाड़ी थे, हमने एरन फिंच को रखा है। एरन फिंच इस साल ओपनिंग करते हुए दिख सकते हैं पार्थिव पटेल के साथ। इनका जो दोस्तों जो ऊपरी चार जो स्पेशली बल्लेबाज है ना, वो खतरनाक है अगर हम पार्थिव को भी गिनते हैं तो। इसीलिए भाई आरसीबी बल्लेबाजी के मामले में कभी पीछे नहीं रहेगी। हाँ, ये जरूर होगा कि क्या विदेशियों पर ज्यादा डिपेंडेंसी है, ये सवाल होगा, लेकिन खतरनाक इनके ये 3 ही बल्लेबाज रहेंगे। आरसीबी के बाद दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की। दोस्तों अगर हम चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी को उठाकर देखें तो चेन्नई की टीम ऐतिहासिक रूप से कभी भी बल्लेबाजी में ऐसा नहीं रही है कि भाई चेन्नई के पास खतरनाक बल्लेबाज रहे, ये हमेशा बैलेंस पर चलने वाली टीम है। इसीलिए बुजुर्ग प्लेयर होने के बावजूद भी ये खिताब जीत गए थे 2018 में, और यही कारण है। लेकिन इस बार अगर हम इनके 3 खतरनाक बल्लेबाजों की बात करें तो इसमें नंबर 1 पर महेंद्र सिंह धोनी, किसी को कोई डाउट नहीं। नंबर 2 पर हमने शेन वॉटसन को रखा, और नंबर 3 पर भाई हमने सुरेश रैना को रखा है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग अंबाती रायडू का भी नाम लेंगे, फाफ डू प्लेसेस का भी नाम लेंगे, लेकिन वॉटसन का नाम है क्योंकि फाफ डू प्लेसेस शायद खेल जाए, शायद ना खेल पाए प्लेइंग 11 में बिकॉज ऑफ 4 फॉरेन प्लेयर रूल, इसलिए उनका नाम नहीं है। अंबाती रायडू ने लंबे अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेला है, और सुरेश रैना का T20 का इतिहास उनके साथ था। तो अगर हम T20 इतिहास की बात करें तो रैना का नाम है, हो सकता है रायडू इस साल हमें गलत साबित कर दें। उसके बाद दोस्तों अब हम फाइनली बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की। द हैवी पैक्ड बैटिंग, मतलब कि अगर इनकी बल्लेबाजी को उठाकर देखेंगे ना तो आपका दिल दहलेगा, किसी भी टीम का दहलेगा, क्योंकि टॉपम टॉप वाले बल्लेबाज सारे इनके पास हैं। इनके जो टॉप 3 बल्लेबाज रहेंगे, फिर बोल रहा हूँ, नाम सुनकर आप हैरान होंगे, वो होंगे सबसे बड़े तो डेविड वार्नर, देयर इज नो डाउट इन दैट। दूसरे केन विलियमसन, तीसरे नंबर पर कौन है, जॉनी बेस्ट्रो का नाम नहीं है दोस्तों, हमने मनीष पांडे को रखा है। जॉनी बेस्ट्रो का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि क्या पिछला सीजन एक लॉटरी था, ये सवाल है। क्या पिछले सीजन जैसा प्रदर्शन दोहराएंगे, ये भी सवाल है। इंग्लैंड की तरफ से वर्ल्ड कप के बाद कितना प्रदर्शन किया, इस पर भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो वर्ल्ड कप में बहुत चले थे बेस्ट्रो, आईपीएल में एक सवाल लेकर आएंगे, अगर इस साल चलते हैं तो फिर तो आईपीएल के ऑल टाइम ग्रेट होंगे, लेकिन इस साल क्योंकि मनीष पांडे चले हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में एज इंडियन प्लेयर, उनका नाम हमने रखा है नंबर 4 पर, वो उतरते हुए हमें दिखेंगे हैदराबाद की टीम में। ये थे भाई आईपीएल की 8 टीमों के नाम और उनके 3 सबसे खतरनाक बल्लेबाजों के नाम, ये हमने छाट कर निकाले थे अलग अलग गणित बैठाकर। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए अपने हर टीम के 3 खतरनाक बल्लेबाजों के नाम और उसका कारण भी बताइए, मतलब अपना आईपीएल का दिमाग कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइए। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है तो कमेंट जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।